हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कॉफ़ी के विषय में जानेंगे, इंडिया के मैप पे कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरियाज जानेंगे और कॉफ़ी के विषय में कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए कॉफ़ी के विषय में जानते हैं। कॉफ़ी यानी इसको कहवा भी कहा जाता है हिंदी में, कहवा। तो सबसे पहली चीज़, एक प्रश्न अक्सर ये पूछा जाता है कि कॉफ़ी किस चीज़ से बनता है। तो ये कहवा जो पौधा है जिसको कॉफ़ी कहते हैं, उसके बीज होते हैं, उससे जो है कॉफ़ी बनता है। ये जो है कहवा के बीजों से, जैसे आप चाय की बात कर रहे थे, वो बनती है पत्तियों से। वो किस चीज़ से बनती है? कहवा के बीज हैं, इसी को कॉफ़ी कहते हैं। कॉफ़ी कहें या कहवा कहें, ये भी एक लोकप्रिय पेय पदार्थ है। जिस प्रकार से चाय जो है वो एक उत्तेजक पेय पदार्थ है, उसी प्रकार से कॉफ़ी जो है एक उत्तेजक पेय पदार्थ है, उत्तेजक पेय है। क्यों उत्तेजक है? क्योंकि इसमें जो है कैफीन पाया जाता है, कैफीन। और ये चाय से दुगुना होता है, चाय से दो गुना कैफीन इसमें होता है लगभग। चाय में भी कैफीन होता है, देखिए कॉफ़ी में तो कैफीन है ही। अगर हम चाय की बात करें तो चाय में भी हमने बताया था कि कैफीन पाया जाता है। चाय में एक चीज़ और भी पाई जाती है, निकोटीन भी पाया जाता है, निकोटीन। तो चाय में कैफीन और निकोटीन दोनों पाए जाते हैं, उसी तरीके से कॉफ़ी में जो है कैफीन पाया जाता है। और कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए ये ज़्यादा जो है जो हार्ट का फंक्शन है उसको प्रभावित करता है। तो सामान्य परिस्थितियों में एक सुस्ती दूर करने के लिए, थोड़ा एक्साइटमेंट लाने के लिए कॉफ़ी का उपयोग किया जाता है, लेकिन अलग अलग लोगों पर और अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में कॉफ़ी के स्वास्थ्य पे अलग अलग प्रभाव भी देखे जाते हैं। तो इसमें कैफीन की मात्रा ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये चाय से ज़्यादा स्फूर्ति देने वाली इसको यूज़ करते हैं लोग। कॉफ़ी जो है, देखिए अगर हम बात करें कि किस स्थान पर कॉफ़ी पाई जाएगी इंडिया में, इसके लिए क्या सिचुएशंस होती हैं, पहले अगर आप उसे जानेंगे तो आप आसानी से लोकेशंस भी ट्रैक कर सकते हैं। तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि ये भी एक ट्रॉपिकल एंड वेट जो क्लाइमेट होता है, यानी उष्ण प्लस आर्द्र जलवायु चाहिए, यानी ट्रॉपिकल प्लस ह्यूमिड, यानी नमी होनी चाहिए हवा में और गर्मी भी होनी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। तो ऐसी जलवायु अगर है तो इंडिया में ऐसी जलवायु है, उष्ण भी है यानी गर्म जलवायु का क्षेत्र है इंडिया, और यहाँ समुद्री इलाका है, तो जब हवाएं यहाँ पर आती हैं तो उनमें पर्याप्त नमी भी होती है। तो उष्ण और आर्द्र जलवायु इंडिया की है, इसका मतलब इंडिया में कॉफ़ी तो हो सकती है, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। टेम्परेचर कितना चाहिए? अगर तापमान की बात करें तो कितने तापमान में कॉफ़ी परफेक्ट उगाई जा सकती है, तो 15 से 15-16 से लेके 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हो तो ये बेहतर है। अब इसका मतलब है इससे कम तापमान, यानी अगर 5-6 डिग्री ठंडा क्षेत्र है तो वहाँ कॉफ़ी नहीं होगी। पाला जो होता है, देखिए कम तापमान या 30 से अधिक तापमान या पाला, अगर पाला पड़ रहा है तो इससे नुकसान होता है, इससे कॉफ़ी को नुकसान होता है, यानी कॉफ़ी वहाँ पे नहीं पैदा की जा सकती है। तेज़ धूप नहीं चाहिए इसको। तो तेज़ धूप नहीं चाहिए तो इसके लिए क्या करते हैं, बड़े छायादार पेड़ बीच बीच में लगे होते हैं। देखिए बड़े छायादार पेड़ के नीचे उगाई जाती है, ये के नीचे उगाते हैं। तो कॉफ़ी के बागानों में आपसे पूछा जा सकता है कि बीच बीच में बड़े बड़े छायादार पेड़ क्यों लगाए जाते हैं, तो वो इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उनकी छाया होती है तो कॉफ़ी का प्रोडक्शन अच्छा होता है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप जो है वो कॉफ़ी नहीं सहन कर सकती है। तो तापमान आपने देख लिया, छाया चाहिए इसको बढ़िया, और मिट्टी जो है वो भुरभुरी और दोमट मिट्टी चाहिए, जैसी चाय को चाहिए थी वैसी ही भुरभुरी मिट्टी हो, यानी मुलायम हो, भुरभुरी दोमट मिट्टी। और लावा मिट्टी में भी हो सकती है, लावा मृदा,
उसमें भी काफ़ी पैदा होती है। तो इस प्रकार की मिट्टी चाहिए। वर्षा की बात करें, अगर हम रेनफॉल कितना चाहिए, तो औसत वार्षिक वर्षा अगर जो है 150 से यानी 150 से 250 तक हो रही है वार्षिक सेंटीमीटर, तो इतनी वर्षा में काफ़ी का प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। लेकिन इसमें भी वही चाय वाली शर्त है कि आपकी जो पानी है वो ठहराव नहीं होना चाहिए, यानी कि पहाड़ी ढाल होनी चाहिए, सुप्रवाहित सुप्रवाहित पहाड़ी ढाल, सुप्रवाहित पहाड़ी ढाल होनी चाहिए, पहाड़ी ढाल। ऐसा क्यों होना चाहिए? देखिए, पहाड़ों की ढाल पे जब आप लगाओगे काफ़ी के प्लांट इस तरीके से, तो वहाँ पानी बरसेगा तो वो उतर जाएगा। इससे क्या होगा कि बराबर पानी मिलता भी रहेगा कॉफ़ी को, और कहीं पे भरेगा नहीं, क्योंकि भरने से इसकी जड़ों को नुकसान पहुँचता है, जिससे काफ़ी के पौधे मर जाते हैं। तो सुप्रवाहित यानी अच्छी ढाल, अच्छा पानी बहने वाली जगह होनी चाहिए। और अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक कम तापमान दोनों ही नुकसानदायक हैं। इसका मतलब है 15 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो सबसे परफेक्ट है। 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, तो वहाँ पर भी परफेक्ट है। तो आप सोचोगे कि वर्षा इधर वेस्ट बंगाल वगैरह में, मेघालय वगैरह में तो बहुत हो रही है। तो देखिए, हर एक कंडीशन चाहिए, मिट्टी भी वैसी चाहिए, वर्षा भी चाहिए, पहाड़ी ढाल भी चाहिए। जब सब कुछ चाहिए तभी पैदा होगा। ऐसा नहीं सिर्फ बारिश बारिश हो रही है तो वहाँ पे कॉफ़ी होने लगेगा, या सिर्फ ढाल ही ढाल है तो कॉफ़ी हो जाएगी। सारी कंडीशंस जहाँ पे मैप जो है टैली करेंगी, वहाँ पे प्रोडक्शन अधिक होगा। तो अभी हम मैप पे देखेंगे कि परफेक्ट सिचुएशंस कहाँ पे हैं और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पैदा होती है। आइए कुछ और चीज़ों पर गौर करें कि अगर हम विश्व की बात करें कि विश्व में कहाँ कहाँ कॉफ़ी होता है सबसे ज़्यादा, तो अगर हम विश्व की बात कर रहे हैं, देखिए विश्व में उत्पादन की हम बात करें, देखिए विश्व में उत्पादन में नंबर एक पे तो ब्राज़ील है। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का एक देश है, वहाँ पर गन्ना भी बहुत होता है, वहाँ कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कॉफ़ी ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जो है उगाई जाती है, तो ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बाद में अगर हम बात करें, दूसरा देश तो आपका वियतनाम एशिया में है, वियतनाम दूसरे स्थान पे वियतनाम है। वियतनाम जब इधर आप म्यांमार के आगे बढ़ोगे तो मैप पे देखिएगा, आपको वियतनाम एक कंट्री मिलेगा, तो वियतनाम में खूब काफ़ी होती है। तीसरे स्थान पे बात करें तो कोलंबिया है। कोलंबिया, आप कमेंट करके बताएं कोलंबिया कहाँ है वर्ल्ड में, वर्ल्ड मैप में कहाँ पे लोकेट करेंगे, किस महाद्वीप पे, तो कोलंबिया को आप जानते हैं। और अगला जो है, तीन टॉप थ्री आप याद रखें विश्व के। अगर भारत की बात करें तो सिक्स्थ पोजीशन पे, छठे स्थान पे भारत है काफ़ी में। तो अगर हम भारत की बात करें तो सिक्स्थ स्थान है उत्पादन में, भारत का छठा स्थान है। अब चूंकि हमने भारत को विश्व में देख लिया, तो अब भारत में कहां कहां पर कॉफ़ी होती है उसको हम जानेंगे। उससे पहले हम आइए कुछ और कॉफ़ी के विषय में जानकारी ले लें पहले, उसके बाद हम भारत में जानेंगे। देखिए, कॉफ़ी जो है वो कई किस्मों की होती है। तीन प्रमुख रूप से विश्व में इसकी जो प्रजातियां हैं वो उगाई जाती हैं। एक तो इसकी प्रजाति है यानी किस्म, अगर हम किस्म की बात करें तो जो पहली किस्म है, देखिए एक पहली किस्म है जिसको कहते हैं अरेबिका। अरेबिका, अरेबिका जो किस्म है यही भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है, इसको हम भारत में उगाते हैं। भारत में सर्वाधिक इसी को हम प्रोड्यूस करते हैं, अरेबिका प्रजाति जो है, अब अरेबिका जो किस्म है कॉफ़ी की, ये एक तो ऊंचे ऊंचे स्थानों पे, ऊंची ढाल पे यानी ऊंचाई पे ज़्यादा होती है, ये ऊंचाई पर होती है, उगती है, इसके लिए ज़्यादा ऊँचे पहाड़ चाहिए। भारत में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग जो किस्म है वो यही है। दूसरी जो भारत में उगाई जाती है वो है रोबस्टा। रोबस्टा, तो रोबस्टा जो है ये थोड़ा निचले ढालों पर होती है, निचले ढालों पर, और ये भी भारत में उगाते हैं हम, भारत में ये भी उगाई जाती है। तो दो प्रजातियां भारत में उगाई जाती हैं अगर बात करें तो, अरेबिका सबसे ज़्यादा मात्रा में,
और रोबस्टा, उसके बाद में दूसरे। एक तीसरी भी प्रजाति होती है जो भारत में जिसका उत्पादन नहीं किया जाता है, वो है लाइबेरिका या लिबेरिका। लिबेरिका ये तीसरी प्रजाति है, लेकिन इसको हम भारत में नहीं प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा। तो दो आप याद रखिएगा, अरेबिका और रोबस्टा, जो इंडिया में लोकप्रिय हैं। और इंडिया में जो सबसे अच्छी है वो है अरेबिका कॉफ़ी, और अरेबिका कॉफ़ी को हम प्रोड्यूस करते हैं और ये निर्यात करते हैं। देखिए, चाय की जब हम बात कर रहे थे तो चाय में हमने देखा था कि भारत कंज्यूम कर लेता है, जितनी चाय उत्पादित करते हैं उसका मैक्सिमम हम कंज्यूम कर लेते हैं, यानी हम खर्च कर डालते हैं अपने देश में। लेकिन कॉफ़ी ज़्यादा अपने देश में कंज्यूम नहीं की जाती है, इसीलिए हम जितना कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं उसका 65 से 70% जो है वो हम निर्यात कर देते हैं। तो ये निर्यात प्रधान कृषि है, इसका जो है भारत में हम निर्यात कर देते हैं। भारत से टोटल उत्पादन का, भारत के टोटल उत्पादन का हम 65 to 70% जो है वो निर्यात कर देते हैं, करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हम भारत में निर्यात ज़्यादा करते हैं कॉफ़ी का, चाय का उतना ज़्यादा हम निर्यात नहीं करते हैं, चाय को हम कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है जिसका मुख्यालय है गुरुग्राम में, तो इसके लिए हम राष्ट्रीय जो है बागवानी बोर्ड इसको देखता है। बागवानी बोर्ड, इसका मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम में है, गुड़गांव, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। ये 1984 से फंक्शन में है, तो ये इसकी देखभाल पूरा करता है। हमने विश्व में देश देखे, अब हम आइए बात करते हैं कि भारत में कहां कहां पर कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। थोड़ा सा हम इतिहास की ज़रूर बात करेंगे कि देखिए, मूल रूप से तो ये अफ्रीकी पौधा माना जाता है और अरब की तरफ देशों में, तो अफ्रीका की उच्च भूमि का ये मूल पौधा है, फिर पूरे विश्व में भी इसकी खेती की जाती है। भारत में सबसे पहले बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो कर्नाटक में हैं, वहाँ पर इसको लाके लगाया गया था। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति गया था विदेश, वहाँ से लेके आया था कुछ कॉफ़ी के बीज और उसको बाबा बुदन की पहाड़ियों में यहाँ कर्नाटक में जो है किसी स्थान पर बोया था। फिर ऐसे भारत में जो है वो चालू हो गया, सबसे पहले बाबा बुदन कर्नाटक में इसके प्लांटेशन किए गए थे। जब अंग्रेज आए, देखिए डच जो थे, डचों ने काफ़ी को फैलाया काफ़ी पूरे देश में, लेकिन व्यापारिक रूप से जो इसको विस्तार दिया है वो ब्रिटिशर्स ने दिया। इंडिया में जब अंग्रेजी शासन आया इंग्लैंड ब्रिटेन का, तो उन्होंने व्यापारिक कृषि शुरू की और चिकमंगलूर जगह है कर्नाटक में, अभी हम मैप पे देखेंगे, वहाँ से जो है प्रथम व्यापारिक बागान लगाया गया था चिकमंगलूर में, तो उसको हम अभी देखेंगे मैप पे। आइए बात करते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पर जो है पाया जाता है। तो प्रथम थ्री, टॉप थ्री देख लें, काफ़ी उत्पादन, काफ़ी उत्पादन। देखिए नंबर एक पे जो है वो है आपका कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक नंबर एक पे स्टेट है। देखिए ये है आपका कर्नाटक, कर्नाटक में काफ़ी के जो विशेष क्षेत्र हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कर्नाटक प्रथम स्थान पे है, तो इसमें आपको जो ज़िले हैं वो एक यहाँ पर है कोडागु, कोडागु, हासन और चिकमंगलूर, ये जो जगह हैं यहाँ पे होती है, मैसूर में होती है काफ़ी, ये कर्नाटक में। देखिए ये है कोडागु आपका, कोडागु, ये है आपका हासन और ये है चिकमंगलूर, 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 और यहीं पे बाबा बुदन की पहाड़ियाँ भी हैं, बाबा बुदन, बाबा बुदन। तो ये जो जगहें हैं, और ये आपका हमने बताया मैसूर, ये सभी स्थान जो आपके हैं कर्नाटका में हैं, कर्नाटक प्रथम स्थान इसी का है, प्रथम स्थान। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है, और इसमें सबसे पहले बाबा बुदन में, सबसे पहले चिकमंगलूर के पास में यहाँ कॉफ़ी के प्लांटेशन किए गए थे, उसके बाद अन्य जो फेमस जगह हैं उसमें कोडागु, हसन, चिकमंगलूर, बाबा बुदन और मैसूर, ये जगहें जो हैं विशेष फेमस हैं, बाकी पूरे कर्नाटक में इसकी बहुत खेती की जाती है।
जो देश का टोटल उत्पादन है तो इसमें भारत का 70% उत्पादन यहाँ होता है, इसीलिए नंबर एक पे है। 70% कॉफ़ी तो केवल अकेले कर्नाटक ही पैदा कर देता है, बाकी 30% में सब हैं, और केरल और कर्नाटक दो मिलाकर के 90% कॉफ़ी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो आइए हम ज़रा केरल पे नज़र डालते हैं। तो केरल में जो मेन जगह आपको याद रखनी है वो है वायनाड, यहाँ पे पड़ेगा आपका वायनाड, वायनाड केरल। तो केरल, केरल में कितना कॉफ़ी होता है अगर इंडिया के टोटल की बात करें तो इंडिया का टोटल प्रोडक्शन जो है उसका 21%, भारत का 21% जो है वो केरल में होता है। तो देखिए 70 और 20, 90% तो इन्हीं दो स्टेट में 90% कॉफ़ी का उत्पादन हो गया, बाकी 5% तमिलनाडु में है, 5% तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में अगर हम विशेषता बात करें तो देखिए नीलगिरी है, नीलगिरी, अब नीलगिरी एरिया जो है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक सब जगह पड़ता है, सब जगह कॉफ़ी है, तो नीलगिरी यहाँ पे, और सेवराय, सेवराय, सेवराय हिल्स जो हैं, तो ये आपका हो गया तमिलनाडु, ये इलाका हो गया आपका तमिलनाडु का। तो सेकंड स्थान पे तो केरल हो गया सेकंड, ये हो गया आपका फर्स्ट, और ये हो गया थर्ड स्थान। काफ़ी प्रोडक्शन में इंडिया में तीसरा स्थान तमिलनाडु का है, और ये जो है 5% उत्पादन ये करता है। तो कितना हो गया, 70, 20, 90, 5, 95, 95% कॉफ़ी जो है वो इन्हीं तीन स्टेट में पैदा की जाती है। ये टॉप थ्री स्टेट हैं, कर्नाटक में 70%, 20% लगभग केरल में, और 5% तमिलनाडु में, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में ही इसको उगाया जाता है। इसके बाद जो 5% बचता है वो पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ कॉफ़ी होती है वहाँ वहाँ पाया जाता है। तो आइए ज़रा एक नज़र दौड़ा लेते हैं कि और कहाँ कहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन जो है वो किया जाता है। तो और कहाँ कहाँ पर है, तो उसके लिए देखिए हम पूर्वोत्तर के जो 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, 7 बहनें जो हैं, कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 7 जो स्टेट्स हैं, ये सभी, इन सभी स्टेट्स में जो है कॉफ़ी उत्पादित की जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी कॉफ़ी उत्पादित की जाती होगी, टोटल 5% बचा है, उसी में ये भी हैं और भी जगहें इसी के अंतर्गत आएंगी, जितनी भी जगह बताएंगे। तो ये आपके 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर स्टेट्स, 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम आप यहाँ पे लिखिएगा कि 7 सिस्टर्स में कौन कौन से स्टेट आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, असम है, और असम को घेरे हुए 6 और स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये हो गए 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो इन सब में जो है कॉफ़ी का उत्पादन होता है। इसके बाद यहाँ आपके जहाँ पे चाय दार्जिलिंग में होती है, इस क्षेत्र में वेस्ट बंगाल में भी होता है, वेस्ट बंगाल में कॉफ़ी उगाई जाती है, वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल को भी नोट करेंगे। अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, मेघालय हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी एरिया जो हैं वो काफ़ी प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं। तो अभी ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी कुछ ओडिशा में, और ये तो ये भी बहुत माइल्ड, जैसे ओडिशा में भी होता है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और देखिए कुछ महाराष्ट्र में भी शुरू हुआ है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी बहुत कम शुरुआत है। तो ये सभी, ये बहुत कम कम है, आप खुद सोच लीजिए कि 95% तो यही हो गया। अगर आपको कहीं राइटिंग करना है, आंसर या बताना है, तो बस आप 3 स्टेट्स को मेंशन करिए, काम ख़त्म आपका। बाकी आप कह सकते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में भी छुटपुट जो है कॉफ़ी की कृषि की जाती है, बाकी कोई नगण्य है उत्पादन में। चाय में देखिए, इधर जब आप जाते हो तो असम में चाय, वेस्ट बंगाल, असम, ये सब चाय के लिए बहुत फेमस इलाके हैं, चाय का प्रोडक्शन होता है। और जब दक्षिण में, इधर कर्नाटक में आते हो तो कॉफ़ी,
चाय और काफ़ी आप इस तरह याद रखेंगे, इधर चाय है और इधर काफ़ी है, तो अलग अलग क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। अगर एरियाज़ की बात करेंगे तो कर्नाटक के और तमिलनाडु और केरल के एरियाज़ आप याद रखेंगे, कुछ जिनका नाम आप मेंशन कर सकते हैं। एक चीज़ जो किस्म की बात है तो अरेबिका सबसे ज़्यादा यहाँ कर्नाटक में और केरल में, नीलगिरी यहाँ सब कहीं अरेबिका का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है। और निचली ढालों पर हम रोबस्टा भी उगाते हैं, नीचे जैसे पहाड़ी में ऊपर ऊपर अरेबिका लगा दिया और नीचे ढालों पर रोबस्टा लगा दिया, लेकिन लिबेरिका भारत में हम नहीं उगाते हैं ज़्यादा। तो दो किस्में सबसे ज़्यादा मात्रा में यही उगाई जाती हैं, और जितना हम टोटल प्रोड्यूस करते हैं उसका 70% तक का हम निर्यात कर देते हैं। तो कॉफ़ी चाय के बाद में उत्तेजक पदार्थों में एक बहुत ही लोकप्रिय जो है पेय पदार्थ है। तो आज हमने कॉफ़ी के विषय में जाना, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।